प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली 23 साल की युवती मंगलवार को लापता हो गई। युवती सुबह घर से ऑफिस के लिए निकली थी और शाम के वक्त उसके मोबाइल से पिता को कुछ तस्वीरें भेजी गईं, जो दिल दहला देने वाली थीं। पिता को भेजी गई तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसे बंधक बनाया गया। युवती का मुंह बांधा हुआ है और सर से खून निकलता भी दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें देखने के बाद युवती के घर में कोहराम मच गया। अपहरणकर्ताओं ने फोटो के साथ युवती के पिता को मैसेज भी भेजा, जिसमें लिखा है कि तुम्हारी लड़की को ऐसी जगह फेंका है कि कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो कही है कि पापा हमने कहा कहाँ जा रहे हो, आज मुहर्रम में छुट्टी है, मत जाओ। बोली नहीं, आज 10 तारीख लास्ट हमारा हिसाब करा करके हमको हमारा टाइम हो गया है, हम अपना पैसा ले करके कल से हम नहीं जाएंगे, हम इसके बाद वहाँ नहीं जाना है, हम अपनी बीए की जो थर्ड ईयर एडमिशन कराएंगे तैयारी करेंगे। युवती के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। घर से एयरटेल सेंटर में काम करने हेतु निकली थी, उसके बाद से गायब हो गई। बाद उसी नंबर से पिताजी के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें कुछ बातें और उसकी फोटोग्राफ थी जो कि आठ छतला वस्त्र लग रही थी। इनकी तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। उन्होंने 22 बार दोनों का नाम लाया था, उनको लाके पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को लापता हुई युवती का पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं दिन दहाड़े युवती के अपहरण ने गोरखपुर की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।